हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आप देख रहे हो कि मैं केले दिखा रही हूँ। तो आज जो देखिए, हमारे घर में जो पक जाते केले हम उसको फेंक देते हैं, तो हम केले से बहुत ही अच्छी डिश बना सकते हैं। तो मैं केले को अभी छील लेती हूँ, आज केले की पकौड़े बनाऊँगी। और उसके लिए मुझे चाहिए केले चाहिए सबसे पहले तो, और मेरे पास बहुत सारे केले हैं तो उसी का इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चीनी और सौंफ और यहाँ पे है सूजी। तो चलिए मैं अभी पहले सबसे पहले तो केले छील लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, हमने केले को छील लिया है देखिए, और ये दोस्तों ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केला है, कोई भी चीज़ से हमने पकाया नहीं है, क्योंकि ये मेरा गार्डन का केला है। जब पूरा मतलब इसका टाइम हुआ तभी हमने काटा था, और इतने सारे केले हैं कि हम खा ही नहीं पाए। और भी केले हैं लेकिन मैं थोड़ी सी बना के दिखा रही हूँ, फिर भी इसमें बहुत सारा केला है। तो चलिए, यहाँ पे अभी सौंफ है, थोड़ा सा नमक चाहिए, थोड़ा सा मैदा यूज़ कर सकते हैं लेकिन, या तो चावल का गूरा। तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा आटा मैं ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे सूजी चीनी तो है। तो चलिए दिखा, मेरे पास राइस पाउडर है तो वो भी मैं डाल दूँगी। इसमें डालते हैं सौंफ, नमक और चावल का आटा, इसमें 4 चम्मच के करीब है, बड़े चम्मच। और इसमें डालूंगी मैं सेमोलिना जो है सूजी, सूजी इसमें बड़ी कटोरी के, एक कटोरी है 250 ग्राम के करीब है। और अभी मैं इसमें डालूंगी मैं आटा, आप नारियल भी कोर के डाल सकते हैं लेकिन आज मेरे पास नारियल नहीं है तो मैं नारियल नहीं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देंगे शुगर, तो शुगर हम कम देंगे क्योंकि ऑलरेडी केला हमारा जो है बहुत ही मीठी है, ये चीनी चंपा केला है। तो अगर बाद में चाहिए होगी तो मैं इसमें मिला लूँगी, तो फ़िलहाल तो मैं इसको अभी हाथ से अच्छे से मैं मसल लूँगी। हाथ मैंने अच्छे से वॉश किया है तो हाथ से धीरे धीरे मैश करना है। आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि केला जो है वो बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, तो केला का जो पानी है उसी से हमारा जो है सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और सच में बहुत ही टेस्टी होती है, और इसको मैं अभी करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बाद में 1 घंटा या तो आधा घंटा बाद आप भून सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हो लेकिन मैं थोड़ा देर फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए पहले मैं मैश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने अच्छे से मिला लिया है सब चीज़ को, तो अब अच्छे से सब कुछ मिल चुके हैं। तो अब मैं इसमें इसको रख दूँगी, स्टैंडिंग टाइम दे दूँगी ताकि जो सूजी है, सेमोलिना है, वो अच्छे से फूल जाए और सब एक दूसरे से मतलब मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अभी इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़र में रखूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर ठंडी के दिन होते तो मैं बाहर ही रखती, लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और जब बनाऊँगी तो मैं इसको निकाल के आधा घंटे पहले मैं निकाल लूँगी, फिर इसको बनाऊँगी। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ। तो अब मैं इसको ढक दिया है, अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में।